जय सियाराम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे तख्त श्री पटना साहिब की यात्रा पर। इस जगह पर सिखों के दसवें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था। आपको बता दें, पूरी दुनिया से यहां श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहां तक पहुंचा कैसे जाए, यहां रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने के यहां क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि हम घुमाते हैं आपको जी भर के। तो चलिए सबसे पहले बात कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। सड़क, ट्रेन और बाय प्लेन तीनों तरह से आप यहाँ आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आपको बिहार की राजधानी पटना आना होगा। पटना के लिए आपको देश के किसी भी हिस्से से ट्रेनें मिल जाएंगी। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट भी देश के ज़्यादातर हिस्सों से जुड़ा हुआ है, तो आप बाय प्लेन भी यहां आ सकते हैं। पटना रेलवे स्टेशन से गुरुद्वारा केवल 15 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से आपको शेयर टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली से पटना तक ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया 470 रुपये, थर्ड एसी का किराया 1200 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 1700 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 2900 रुपये के आसपास का पड़ता है। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपको घूमने से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। यहाँ आकर आपको खाने और रहने की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि गुरुद्वारे में रहने के लिए कमरे मिल जाते हैं और खाने के लिए यहाँ पर हमेशा लंगर चलता रहता है। और अगर आपकी इच्छा हो तो लंगर की तैयारी में आप अपना भरपूर योगदान भी दे सकते हैं। आपको बता दें, पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। गुरुद्वारे के अलावा आप पाटन देवी मंदिर भी जा सकते हैं। पाटन देवी पटना के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को मां पाटनेश्वरी देवी भी कहा जाता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पटना साहिब गुरुद्वारे से पाटन देवी मंदिर की दूरी केवल 3 किलोमीटर रह जाती है। आपको बता दें, दिल्ली से यहाँ आने का खर्च प्रति व्यक्ति 2000 रुपए के आसपास का पड़ता है, क्योंकि रहने और खाने का कोई खर्च होता ही नहीं है। अगर आप दिल्ली के अलावा देश के किसी और हिस्से से आ रहे हैं तो ट्रेन के खर्च में बदलाव हो सकता है। हमारे द्वारा बताया हुआ बजट अनुमानित और सबसे सस्ती यात्रा का होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।